वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 12 देखने वाले हैं क्लास 10th की। ये 31 जुलाई की जो वर्कशीट है, इसके अंदर हम तीनों सब्जेक्ट्स की वर्कशीट देखेंगे, उनका सॉल्यूशन और उनकी एक्सप्लेनेशन, साइंस, फिर मैथ्स एंड फिर हिंदी। आज का जो टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये कॉन्टिन्यूशन है लास्ट वर्कशीट से, जिसके अंदर हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जितना ज्यादा वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और अगर रिवर्स बोला जाए तो कम आयन प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयन तो वो वीक एसिड कहलाते हैं। उसी तरीके से बेसिस वो होते हैं, बेसिस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोक्साइड को हम OH नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। यहाँ पे लिखा है गिव राइज टू मोर हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। एंड रिवर्स ऑफ दैट, अगर कम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो वीक बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है। यहाँ पे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, जो सेम कॉन्सेंट्रेशन के हैं, सेम कॉम्पोजिशन से बने हैं, बट डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने की वजह से हाइड्रोजन आयन जो HCl में प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए हम HCl को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वेयर एज एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड कहलाता है। आइए चलते हैं सॉल्ट्स को समझ लेते हैं, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं और उनका जो नेचर है वो क्या होता है। सॉल्ट्स चार टाइप के कॉम्पोजिशन से बन सकता है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिले, वीक एसिड और वीक बेस मिले, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये चार इनके टाइप हो गए। लेकिन जो नेचर ऑफ सॉल्ट होते हैं वो तीन होते हैं। देखिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देता है। उसी तरीके से वीक एसिड और वीक बेस मिलता है तो भी न्यूट्रल हो जाता है। वेयर एज अगर वीक एसिड मिले स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको अपना कलर दे देगा, मतलब वो बेसिक हो जाता है। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिले वीक बेस से तो वो एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। लास्ट लास्ट में हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो 7.4 के आसपास होता है। ये इसकी रेंज होती है हमारी बॉडी की, जो अगर इसका टेस्ट करा जाए तो हम ऑन एन एवरेज न्यूट्रल स्टेज पे रहते हैं, और ये होना भी चाहिए। यहाँ पे कुछ पीएच स्केल का जो इम्पोर्टेंस है वो बता रखा है, किस तरीके से एसिडिक और नॉन एसिडिक या बेसिक नेचर में हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और हमारी डेली लाइफ में कहाँ मिलते हैं। आइए चलते हैं, पहला पढ़ लेते हैं। जो पॉल्यूशन की वजह से हमारे जो एयर में जो पॉल्यूशन हो जाता है वो ऊपर जाके जो हमारे वाटर में मिल जाता है, मतलब बारिश के पानी में मिल जाता है, तो उसको क्या कर देता है, वो एसिडिक कर देता है। जब भी बारिश का पानी 5.6 से कम होता है, लोअर देन 5.6 होता है, तो उस पानी को हम एसिड रेन बोलते हैं। ये पानी जब हमारे एक्वेटिक लाइफ से मिलता है, मतलब ओशियन, सी, लेक से मिलता है, तो वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ होती है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है इनका। तो आपके पेरेंट्स ने भी कई बार बोला होगा कि आपको बारिश का जो पहला पहली बारिश जो होती है मौसम की, उसमें नहीं नहाना चाहिए। उसका रीजन भी यही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हार्मफुल होती है, इसे कहते हैं एसिड रेन। और आपने पता, आपने पढ़ा भी होगा जो ताजमहल है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये काफी जगहों पे इसका आपने जिक्र देखा होगा। तो वो पता चलता है जब भी 5.6 उसका पीएच लेवल कम होता है पानी का, उसे कहते हैं एसिड रेन। आपका पेट में, आपको पता ही है कि HCl नामक एक एसिड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आपके पेट में पाया जाता है, स्टमक में।
ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो घबराए नहीं। तो ये एसिड तो अच्छा है आपके लिए, फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ये ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है। जब ये ज्यादा हो जाता है तो इसको हमें शांत रखना पड़ता है। आपने देखा होगा जब भी पेट खराब हो जाए या फिर बर्ब्स आने लग जाए, गैस बन जाती है, जिसको हम गैस बन जाना कहते हैं, तो उसके बाद कई लोग जो है एंटासिड लेते हैं। एंटासिड को अगर समझें तो एंटी एसिड, एंटी एसिड का मतलब हो गया उसका रिवर्स, उसका बेस। तो एंटासिड होता है बेस, वो हम लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं हमें तो पता है, इनो। तो जो इनो है, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ें तो वो कुछ नहीं होते, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर डाला जाता है। तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स खुद पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, मतलब जो कि होते हैं बेस, उनको एल्कलाई भी बोलते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था एल्कलाई क्या होते हैं, वो बेसिस जो पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर। आपने टूथ डिके के ऊपर पढ़ा होगा, दांतों में कीड़े लग जाना या फिर दांत टूट जाना, तो उसके रीजन क्या हो जाते हैं? जब भी आपके माउथ का पीएच लेवल 5.5 से नीचे हो जाए, कम हो जाए, तब उस केस में क्या होता है, टूथ डिके होता है। क्यों होता है? जब भी हम कुछ खाते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेटेड फूड खाते हैं, जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक हो गई या फिर फूड हो गया, वो हमारे माउथ का जो एसिडिक लेवल होता है वो कम कर देता है। जैसे कि हमने पता है कि हमारा जो बॉडी है वो 7 to 7.8 के बीच में होता है, लेकिन वो माउथ का जो लेवल है वो 5.5 से कम कर देता है। उस केस में आपका जो टूथ डिके की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब इसको कैसे बचाएं? तभी बोला जाता है कि टूथपेस्ट, आप टूथब्रश बेसिकली आप हर खाने के बाद करें, ताकि टूथपेस्ट में जो एल्कलाई है मतलब जो बेस है वो क्या करता है, आपके टूथ को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देता है उस रिएक्शन को। माउथ के अंदर पहले से ही एसिड है, और कहाँ से पहुंचा है, खाने से पहुंचा है, जो आपने खाना खाया उसकी वजह से आपके माउथ में एसिड फॉर्म हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बी स्टिंग। जब भी कोई बी जो है वो काट लेती है तो उसको हमें जलन क्यों होती है, यहाँ पे बर्निंग सा पेन क्यों होता है? बेसिकली उनकी जो स्टिंग के अंदर होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड की वजह से एक बर्निंग, क्योंकि ये वीक एसिड होता है, आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन होता है, तो उसके अंदर बर्निंग सा फील होती है, मतलब चुभन सी होती है। अब इसको ठीक करने के लिए आप इसके ऊपर बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। अब पीएच लेवल ऑफ सॉइल जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये खासकर उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो गार्डनिंग करते हैं या फिर खेती करते हैं। उनके केस में पीएच का लेवल नॉर्मली 7 के आसपास होना चाहिए। अगर उसका लेवल उससे नीचे पहुंच जाए तो वो एसिडिक हो जाती है। अगर एसिडिक हो जाए तो उसको ठीक कैसे करा जाएगा, ऑब्वियसली उसका उल्टा मतलब बेस डाला जाएगा, मतलब एल्कलाइन। कंफ्यूज ना हो एल्कलाइन से, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एल्कलाइन नथिंग बट इट्स अ बेस जो पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है। और इसके अंदर क्या डालते हैं, क्विक लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो हो गया वर्कशीट के बारे में बातचीत। आइए चलते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन देख लेते हैं और रिटर्न में भी देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी वर्कशीट अपने सामने रख ली होगी, साथ में हम सॉल्यूशन देखते रहते हैं। पहला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई ईच सॉल्ट एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो केसीएल दे रखा है जो कि एक न्यूट्रल है, जो कि बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड एचसीएल और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है इज द सॉल्ट विच वुड दैट वुड बी प्रोड्यूस इन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस नाइट्रिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, देयरफॉर ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल। हमने वो चार्ट पढ़ा था, अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो वो न्यूट्रल फॉर्म होगा। नेक्स्ट आ जाता है एमिनो सल्फेट। एमिनो सल्फेट जो हो गया वो एक, उसका जो सॉल्ट है वो एसिडिक इन नेचर है, बिकॉज यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेयर एज अमीनो जो है वो एक वीक बेस है। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है MgCl2 इज मेड फ्रॉम, MgCl2 इज नथिंग बट मैग्नीशियम
क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड किससे बना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक एसिड से है, जिसको हम डाओ प्रोसेस भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, ये जो मैंने इक्वेशन लिख दी है. आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला पार्ट है व्हाई इट इज एडवाइज टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं. बी पार्ट था हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सी पार्ट हाउ डज एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड ड्यू टू एसिड रेन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ से फिर दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं इसको. फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका हाउ डज एन एंटी एसिड वर्क. जैसे कि एंटी एसिड का नाम दिया गया है, एंटी एसिड इज नथिंग बट बेस, जो वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. और सम ऑफ द कॉमन एंटी एसिड आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट. क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में दे रखा है कि सॉयल का जो नेचर है वो इस समय 5.6 है, मतलब पीएच जो है 5.6 है, तो इसको कैसे ठीक करा जाए. तो हम उसके अंदर ऑब्वियसली क्या है 5.6 मतलब वो एसिडिक हो रही है, तो एसिडिक को हम न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर बेस डालेंगे. बेस में क्या क्या डाल सकते हैं, क्विक लाइम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट. आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ. अगली वर्कशीट है मैथमेटिक्स की. आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ. नेक्स्ट वर्कशीट है मैथ्स की, वर्कशीट नंबर 12 है, 31 जुलाई 2020 की, क्लास 10th. आज की वर्कशीट में हम देखने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बेसिकली इसके अंदर डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में. एक एग्जांपल दे रखा है जो कि एग्जांपल मैं अभी डिस्कस करने नहीं वाला, बिकॉज मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे जंप करूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को, एग्जांपल को आप खुद अटेम्प्ट कर सकें उसके बाद अपने आप. तो आइए चलते हैं सीधा सीधा क्वेश्चंस की तरफ. सो पहला क्वेश्चन, यूनिक सॉल्यूशन मींस, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन. पेयर ऑफ सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये और ये वाला जो क्वेश्चन है अभी हम इसको डायरेक्टली देख लेते हैं, एंड उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें. आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. यहाँ पर वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो वेरिएबल जब भी डिनोमिनेटर में हो हमें उसको न्यूमिनेटर में लेकर आना होता है. किस तरीके से लेकर आते हैं वो देखते हैं. यहाँ पर देखें मैच करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर क्या है 1/x, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, सो दोनों तरफ आप देखेंगे 1/x मैच कर रहा है, 1/y मैच कर रहा है. तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ लेट 1/x इक्वल्स टू यू, एंड आप ए भी लिख सकते हो, मैं ए लिख देता हूँ, चलो 1/y इक्वल्स टू बी. तो इसका मतलब 1/x जहाँ जहाँ पे भी लिखा है वहाँ पर आप क्या कर दो, ए लिख दो, वहाँ पे बी लिख दो. तो हमारी जो नई इक्वेशन बन जाती है वो 2a + 3b इक्वल्स टू 13 हो गई, और यहाँ पे क्या बन गई 5a - 4b इक्वल्स टू -2 हो गई. अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया. अब हमने लास्ट दो वीडियोस में देखा था या तो एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ी स्पेस कम है तो मैं इसी के नीचे यहीं पे लिख रहा हूँ, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा. ओके, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन में, मैं मेरे को पसंद है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं एलिमिनेशन मेथड ही इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ. तो मुझे एक वेरिएबल को सेम बनाना है. अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये आसानी से हो सकता है सॉल्व. चाहे तो आप इसको भी सेम बना सकते हैं, तो आपको जिसको सेम बनाना है आप उसको सेम बना लीजिए. तो मैं अभी इसको सेम बना रहा हूँ. तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है एलसीएम है वो है 12. तो 4 इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके अंदर इस लाइन के अंदर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कर देंगे.
अब नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 8a प्लस 12b इक्वल्स टू 452। यहाँ पर आ जाएगा 15a माइनस 12b इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा -6। आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों सेम हो गए, तो ये बहुत ही आसानी से कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 15 प्लस 8 23a, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कर देंगे 52 माइनस 6 46। अब ये 23 दूसरी तरफ जाएगा, ए इक्वल्स टू 46 अपॉन 23। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। तो मैं लिख सकता हूँ ए की वैल्यू क्या हो गई, 2। लेकिन क्वेश्चन में तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था एक्स में, तो मेक श्योर वापस एक्स में ज़रूर लेकर आना है। लेकिन उससे पहले मैं बी निकाल लेते हैं। मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ ए की वैल्यू और बी निकालेंगे। 5a, सॉरी ए तो हमारे पास वैल्यू आ गई, तो 5 × 2 − 4b इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर आ गया 10a − 4b इक्वल्स टू -2, और यहाँ पर आ गया −4b इक्वल्स टू −2 − 10, b इक्वल्स टू −12 अपॉन −4। माइनस माइनस कटा, यहाँ पर आया 3, सो b की वैल्यू आ गई 3। अब इसी के नीचे लिखना होता है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सॉल्व। अब ए क्या था, 2। अब ए 2 था तो एक्स क्या होगा, तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। सो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 2, इसका रिवर्स। उसी तरीके से 1 अपॉन y इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, जस्ट उसका रिवर्स। तो हमारा आंसर हो गया 1/2 एंड 1/3। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 वुमेन्स एंड 12 मेन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। तो जैसे कि आपको पता है ये वर्क डन वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हम पहले ये जानना चाहेंगे कि एक वुमेन ने एक दिन में कितना काम करा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, लेट अ वुमेन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। एक वुमेन अगर अकेले पूरा काम करती तो एक्स डेज लेती। उसी तरीके से अ मैन फिनिश का, एक बंदा अगर फिनिश करता तो वो वाई डेज लेता। अगर मैं आपको बोलूं एक काम करने के अंदर आपको 5 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब रोज आप 1/5 काम करते होंगे। उसी तरीके से अगर आपको मैं बोलूं आप एक्स डेज लेते हैं, तो उसी तरीके से आप क्या बोलेंगे, आपको 1/x एक दिन में काम होगा। 1 day work इक्वल्स 1/x, मैन का हो गया 1/y। अब यहां पर एक दिन नहीं 10 दिन लगे, 10 days, 10 days लगे 8 वुमेन को काम करने में, इसका मतलब 80/x। उसी तरीके से 10 days 12 मेन का 120/x। अब दोनों ने मिलाकर कितना काम खत्म करा, एक काम 1, तो इसका मतलब 80/x प्लस 120/y इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 14 days में 6 वुमेन ने मिलके 84/x काम कर लिया होगा। 14 days में 8 मेन ने मिलके 112/y काम कर लिया होगा। इसका मतलब सेकेंड जो हमारी इक्वेशन हो गई वो होगी 84/x प्लस 112/y इक्वल्स टू 1। अब जैसे कि हमने पहला सेकेंड क्वेश्चन देखा है, हम 1/x को a ले लेंगे, 1/y को b ले लेंगे, तो हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी ये। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, बिकॉज इनका एलसीएम बहुत बड़ा आ रहा है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लिया और ये मैंने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व कर दिया है, जिससे हमारे बी की वैल्यू हो गई 1/280। अब इसको मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करने से हमारे पास ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 1/140। अब यहाँ पर आप रुकिए मत, बिकॉज ए और बी की वैल्यू नहीं मांगी उन्होंने, एक्स और वाई की वैल्यू मांगी है। 1/x इक्वल्स टू ए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 140, वाई की वैल्यू आ गई 280। तो इसका मतलब, और स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में एंड करना चाहिए, तो
तो स्टेटमेंट हो गई अ वुमेन फिनिश्ड वर्क इन 140 डेज. अगर अकेली एक वुमेन अगर काम करती है तो ये काम 140 डेज में काम खत्म होता. अभी जो काम खत्म हुआ है 10 डेज में या 14 डेज में. तो अगर वुमेन का मैन काम करता तो 280 डेज में काम यह खत्म होता. उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें. और आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ जो कि है हिंदी की. हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट है कार्यपत्रक नंबर 12, वर्कशीट नंबर 12. ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है और बहुत ही क्रिएटिव वर्कशीट है. तो इस वर्कशीट में आपको चार चित्र दिखाए गए हैं. एक चित्रों की एक्चुअली ये एक श्रृंखला दिखाई गई है, ये पिक्चर सीरीज है. इन पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है, इन चित्रों को ध्यान से देखना है और फिर थोड़ा सोच विचार करके आपको इन चित्रों को जोड़कर एक छोटी सी कहानी बनानी है. तो आप भी कोशिश कीजिए और शायद आप भी एक अनोखी और रोचक कहानी बना पाए. हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं एक कहानी का. कोशिश कीजिए अगर आप भी एक कहानी बना सकें तो. सूरज की पहली किरण धरती पर गिरते ही रिया की आंखें भी खुल गई थीं। वह प्रातःकाल के कार्यों से निवृत्त होकर सुबह की सैर के लिए बाहर निकल पड़ी. अभी उसने घर से थोड़ी ही दूर कदम रखे थे कि उसे अपनी पालतू बिल्ली मिली घास में कुछ निहारती हुई दिखाई दी. रिया ठहर गई. गौर से देखने पर उसे पता चला कि मिली एक अंडे से निकलते चूजे को घूर रही थी. रिया को यह समझते देर नहीं लगी कि उसके पड़ोस के घर की मुर्गी का एक अंडा यहाँ खो गया था. उसने बड़ी ही सावधानी से उस अंडे से निकलते चूजे को उठाया. फिर पड़ोस के घर में जाकर उसने देखा तो मुर्गी अपने बाकी चूजों को दाना खिला रही थी. रिया ने खोए हुए चूजे को भी मुर्गी के पास छोड़ दिया और उस छोटे से परिवार को फिर से मिला दिया. आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्य जो कि उल्टे सीधे क्रम में दिए गए हैं, क्या आप इन्हें सही क्रम में लगा सकते हैं? थोड़ा प्रयास कीजिए, शायद बात बन जाए. तो अगर आप इन वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये उल्टे सीधे क्रम में लगे हैं, जैसे कि कोई इसका मीनिंग नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा. लेकिन अगर आप इन्हें सही क्रम में लगाएंगे तो इनका एक मीनिंग, एक सेंस बन जाएगा. तो आइए पहले जल्दी से ये सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, फिर उन्हें क्रम में भी लगा देते हैं. पहला सेंटेंस यहाँ लिखा है, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करना और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है. मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक जीव रहा है. उनके साथ समय व्यतीत करना और उनके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने से उन्हें अच्छा महसूस होता है. वह आसपास के लोगों से प्यार करता है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहला जो इसमें वाक्य होगा वो ग होगा. क्यों? क्योंकि और किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है, कर्ता की बात नहीं की गई है, कि यहाँ पर प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, उनके, वह, इस तरह से प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं. तो इसलिए सबसे पहला होगा ग. अब इसके बाद मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक जीव रहा है. इसके बाद बहुत ही ऑब्वियस सा सेंटेंस हो जाता है च, वह आसपास के लोगों से प्यार करता है. अब ये जो सेकंड सेंटेंस है इस पे इलैबोरेट करते हुए वाक्य आ जाता है घ, उनके साथ समय व्यतीत करना और उनके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने से उन्हें अच्छा महसूस होता है. तो ये हो गया आपका थर्ड. उसके बाद क्यों महसूस होता है अच्छा उसे, मनुष्य को, तो क, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करना. आप देख सकते हैं कि यह अधूरा वाक्य है और इसको पूरा करने के लिए ये ख यहाँ पर है, और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है. इसीलिए मनुष्य दूसरों के साथ जब रहता है अपनी बातें शेयर करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है. उम्मीद करते हैं कि आपने ये पहले ट्राई किया होगा यह प्रश्न, और उसके बाद आपके ये उत्तर सारे सही मिले होंगे. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. अगर कोई डाउट हो तो
आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।